नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कुछ इस तरीके से रेत को खरीदा जाता है। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर किस तरीके से पता करते हैं कि किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना क्यूबिक फीट रेत यानी कि सैंड है। किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर कितना क्यूबिक फीट सैंड है, इसका कैलकुलेशन करना यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर पता करते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना क्यूबिक फीट रेत यानी कि सैंड है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है। तो चलिए इस ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर देखते हैं कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत भरी हुई थी। तो सबसे पहले आपको ट्रॉली की लंबाई को माप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रॉली की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाया हुआ है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ट्रॉली की लंबाई कितनी है। तो ट्रॉली की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रॉली की टोटल लंबाई 5 फिट 9 इंच है। आप अच्छे से देख लीजिए कि ट्रॉली की टोटल लंबाई 5 फिट 9 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी माप लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ट्रॉली की टोटल लंबाई 5 फिट 9 इंच है। तो ट्रॉली की लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रॉली की चौड़ाई मापनी है। तो चलिए हम ट्रॉली की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा कर देखते हैं कि ट्रॉली की चौड़ाई कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ट्रॉली की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। और टेप लगाने के बाद आप देख लीजिए कि ट्रॉली की टोटल लंबाई 9 फिट 9 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी ट्रॉली की टोटल चौड़ाई को माप लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ट्रॉली की टोटल चौड़ाई 9 फिट 9 इंच है। तो ट्रॉली की लंबाई और चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ट्रॉली की हाइट यानी कि ऊंचाई को मापना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ट्रॉली की ऊंचाई की डायरेक्शन में टेप लगाया हुआ है। और यदि हम ट्रॉली की ऊंचाई की बात करें तो आप देख लीजिए कि 1 फिट 7 इंच है। आप अच्छे से देख लीजिए कि ट्रॉली की टोटल हाइट टोटल ऊंचाई 1 फिट 7 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी ट्रॉली की हाइट को माप लेना है। तो ट्रॉली की हाइट को मापने के बाद ट्रॉली की टोटल हाइट 1 फिट 7 इंच आई। तो ट्रॉली की लेंथ ब्रिथ हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है इसको फिट में कन्वर्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रॉली की टोटल चौड़ाई 9 फिट 9 इंच है। तो इस 9 इंच को आपको फिट में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रॉली की लंबाई 5 फिट 9 इंच है। तो इस 9 इंच को भी आपको फिट में कन्वर्ट करना है। यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 1 फिट 7 इंच है। तो इस 7 इंच को आपको फिट में कन्वर्ट करना होता है। बहुत सारे लोग इस 9 फिट 9 इंच को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 9.9, ये भी गलत है, और इसको 5.9 लिखेंगे, ये गलत है। तो सभी इंच की वैल्यू को आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप उस वैल्यू में 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 फिट में 12 इंच होते हैं, इसलिए आप 12 से भाग दे देंगे। तो कोई भी इंच की वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस 9 इंच को फिट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम 9 लिखेंगे, डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच में 0.75 फिट होते हैं। तो इस 9 फिट 9 इंच को सिंपली हम 9.75 लिख सकते हैं। 9.75 फिट का मतलब 9 फिट 9 इंच हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इस 9 इंच को भी आपको फिट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप 9 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच में 0.75 फिट होते हैं। तो इस 5 फिट 9 इंच को आप कुछ इस तरीके से 5.75 फिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से इस 7 इंच को भी आपको फिट में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली आप 7 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 7 इंच में 0.5833 फिट होते हैं। तो इस 1 फिट 7 इंच को सिंपली आप 1.5833 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी इंच की वैल्यू है सभी को फिट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्यूबिक फिट निकालना है। तो क्यूबिक फिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई का आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल कितना क्यूबिक फिट
सैंड यानी कि रेत है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर हम इन सभी वैल्यू को लिख देते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की टोटल लंबाई 5.75 फीट है। तो सिंपली आपको लेंथ की जगह 5.75 फीट लिख देना है इनटू ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की टोटल चौड़ाई 9.75 फीट है। तो इस 9.75 फीट को आप यहाँ पर लिख देंगे इनटू आप देख सकते हैं कि हाइट, और ट्रैक्टर ट्रॉली की टोटल हाइट 1.5833 फीट है। तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 1.5833 फीट। अब आप इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 88.76 क्यूबिक फीट आ गया, यानी कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल 88 यानी कि 88.76 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत आएगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को माप कर पता कर सकते हैं कि उस ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल कितना क्यूबिक फीट रेत यानी कि सैंड है। और चलते चलते आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पर दी गई है, तो इसका कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।